कमरे में आकर शीजा को जूतों की दोनों जोड़ियां थमाकर शार्दुल ने उसे आदेश दिया कि उसकी आज्ञा के बिना शीजा वो जूते अभी न पहने। इसके बाद वो झपकी लेने के लिए लेट गया। शार्दुल ने अपना एक हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखा ताकि कमरे में मौजूद थोड़ी सी रोशनी उसकी आंखों पर गिरना बंद हो जाए। शीजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो जूतों के बक्सों के साथ बिस्तर के सिरहाने खड़ी थी। कुछ देर बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गई। शीजा ने पहला बक्सा खोला। उसमें सुंदर जूतों की जोड़ी थी जिसे सैंडल कहते थे। वो काफी कुछ वैसे ही थे जैसे तबस्सुम ने शुरू में शीजा को पहनाए थे, गहरे नीले रंग के। हालांकि शार्दुल ने तबस्सुम से सस्ते जूते मांगे थे, मगर इस जोड़ी को देखकर शीजा बता सकती थी कि ये सस्ते नहीं थे। उसने सोचा कि हो सकता था कि लाहौर और चंगा मंगा की दुकानों में उसके जैसे सामान्य निम्न या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ता सामान नहीं रखा जाता था। उसके मन में सवाल ये था कि वो इन सैंडलों का इस्तेमाल कहां और कैसे करेगी। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं पहना था, इसलिए उसे थोड़ी चिंता थी कि इस्तेमाल करने पर वो टूट जाएगा और मालिक का नुकसान हो जाएगा। जूतों की इस ऊंची एड़ी वाली जोड़ी को वापस बक्से में डालकर शीजा ने दूसरा बक्सा खोला। वो फ्लैट जूतों की एक जोड़ी को देखकर हैरान रह गई। जब शीजा ने पूछा था तो शार्दुल ने इनकार कर दिया था, लेकिन शीजा को बताए बिना वो उसके लिए जूते खरीद लाया था। शीजा ने आलती पालती मारकर बैठते हुए अपने पैर के तलवों को देखने की कोशिश की। वो अपने पैर के तलवे में हुआ घाव देखना चाह रही थी। घाव अभी भी था, लेकिन अब वो भरने लगा था। शीजा ने जूतों के बक्से दीवार के सहारे रख दिए, क्योंकि वो जानती थी कि वो उन्हें तब तक नहीं पहन पाएगी जब तक कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। उसने खड़ी होकर देखा, पेशाच शार्दुल गहरी नींद में सो रहा था। शार्दुल की आंखें बंद थी, उसके काले बाल उसके माथे पर बिखरे थे और सांस लेने से उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। शीजा ने सोचा कि उसके रिश्तेदारों ने उसे गलत बताया था कि अमर पेशाच ठंडे शारीरिक तापमान वाले होते हैं। फिर उसने सोचा कि उसे उस दिन इस पर ध्यान देना चाहिए था जब शार्दुल ने उसे गलती से अपनी बाहों में लिया था और सो रहा था। फिर उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो खुद से बोली, मैं भला उस दिन को क्यों याद कर रही हूँ, कितना शर्मनाक था। कभी तो मेरी भी शादी होगी और अगर मेरे होने वाले पति को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगा और क्या कहेगा। शीजा ने खुद को समझने की कोशिश तो की, पर उसकी सोच फिर शार्दुल के इर्द गिर्द घूमने लगी। आज जब शार्दुल ने उसे जूतों की दुकान में सहारे के लिए अपना हाथ दिया था तो शीजा ने उसके हाथ की गर्माहट महसूस की थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। अंधेरा हो चुका था। लंबी दूरी की यात्रा पेशाचों के घोड़ों वाली बग्घी से जल्दी तो हो जाती थी, पर इंसानों के लिए तो थकाने वाली ही थी। शीजा ने बिस्तर पर शार्दुल की बगल में लेटने की जगह नीचे गालीचे पर बैठना उचित समझा। बिस्तर के सहारे अपने पेट टिकाकर वो गालीचे पर अधलेटी हालत में सो गई। शार्दुल ने अपनी एक आंख खोली। छत पर लगे आईने में शीजा के अक्स को देखकर उसने समझ लिया कि कोई हलचल नहीं थी, यानी वो सो चुकी थी। बिस्तर के ठीक ऊपर लगे आईने के जरिए ही शार्दुल ने शीजा के चेहरे पर नजर डाली। मासूम, प्यारी, भोली सी शीजा। शार्दुल जानता था कि वो एक मजबूत लड़की थी और उसने अपने चारों तरफ एक ना दिखने वाली दीवार बना रखी थी जिसके अंदर वो शार्दुल को आने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसका दिल कोमल और पवित्र था। शार्दुल ने खुद से कहा कि आखिरकार अंत में सब ठीक हो ही जाता है। उसने दीवार के सहारे टिकाकर रखे गए जूतों के डिब्बों को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरी नन्ही सी चिड़िया। वो बिस्तर से उठा और लड़की को जगाए बिना अपने कमरे से बाहर निकल गया। राजसी कदमों से चलता हुआ वो बैठक में पहुंचा जहां उसने अपनी सौतेली माँ को अपने पिता और अपनी बड़ी बहन अवंतिका के साथ बात करते हुए पाया। उसे देखते ही अवंतिका चहकी। ओह, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो शार्दुल, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल माँ को
मैं आपकी क्या और कैसे मदद कर सकता हूँ? शार्दुल की सौतेली माँ मलका जान बोली, मुझे विश्वास है कि तुम हुस्ना बानो को जानते हो और शायद ये भी कि उसका एक भाई है। हाँ दनियाल, क्या किया उसने? समस्या ये है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, करना हमें है। उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। सोहनी उसे पसंद करती है और प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई? पर उस सुनहरे बालों वाले गोरे लड़के का क्या हुआ जिसके साथ वो इतनी मेहनत कर रही थी? क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा। अवंतिका और अनुज राज शाह को शायद इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे दोनों सवालिया निगाहों से मलका जान की तरफ देखने लगे। शार्दुल की सौतेली माँ मलका जान ने निराशा से भरकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हमजा। ओ हाँ वही, मेरे काम के दौरान कई मौकों पर काउंसिल में उससे मिलना हुआ है। वो सीधा और अच्छा आदमी है, सिरमौर के राजा के भी खास लोगों में गिना जाता है। उसका क्या हुआ? ये हुस्ना बानो वही पिशाचनी थी जिसके लिए शार्दुल पीले फूलों वाली रेशमी पोशाक लेके गया था, जिसे शिजा ने फाड़ा था और जिसका खून शार्दुल ने शिजा के सामने पिया था। शार्दुल जानता था कि सोनी का स्वभाव कैसा है और ये भी कि हमजा कैसा खुददार व्यक्ति, कभी भी उसकी बहन सोनी की उलझुल मांगों के आगे नहीं झुकेगा। कहने को सोनी, शार्दुल और अवंतिका एक ही परिवार के बच्चे थे, शाह परिवार, लेकिन पिता एक होने से स्वभाव एक नहीं होता। सोनी को मलका जान ने पाला था जबकि शार्दुल और अवंतिका को उनके संस्कार अपनी माँ से मिले थे। शार्दुल नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन जो भी था वो इस पचड़े में नहीं पड़ सकता था। उसने अपनी सौतेली माँ की नाटकीय बातों का आनंद लेना शुरू कर दिया। मलका जान ने बात संभालते हुए कहा, वो सोहनी को सिर्फ दुखी कर सकता है, उसका ख्याल नहीं रख सकता। उसके माता पिता की मृत्यु होने पर सोहनी अफसोस करने गई थी, तब जो घर का मुख्य नौकर था वो विनम्र था, लेकिन अब जो है वो मेहमानों को अंदर नहीं जाने देता है। आप लोग ही बताइए, सोहनी उससे मिलने उसके घर जाए और बाहर घंटों इंतजार करे, ये अच्छा लगता है क्या? सोहनी ऐसा क्यों करे? और दूसरी बात कि अवंतिका शादी करना नहीं चाहती है, ऐसे में सोहनी अपनी बड़ी बहन का फैसला बदलने का इंतजार करती तो नहीं रह सकती ना। वक्त आ गया है कि हम एक अच्छा लड़का देकर सोहनी की शादी कर दें। शार्दुल सोहनी और हमजा दोनों को ही भली भांति जानता था, इसलिए उसे पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से उलट था, फिर भी शार्दुल ने कुछ भी जाहिर नहीं किया। उसके पिता अनुज राज शाह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अपनी माँ और सोहनी की मदद करो शार्दुल। मैं क्या? शार्दुल ने थोड़ा असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मलका जान ने फौरन बात आगे बढ़ाई, तुम्हारे बाबा ने एक पत्र लिखकर रिश्ता तो भेजा है, तो कोई जवाब आया क्या बाबा? शार्दुल के पिता एक पल खामोश रहे और फिर बोले, उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम उनकी बेटी हुस्ना बानो से शादी करोगे। शार्दुल ने अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपना हाथ अपने मुंह के ऊपर कर लिया। अपना गला साफ करते हुए उसने जवाब दिया, नहीं। अवंतिका को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उनकी सौतेली माँ के चेहरे से उनकी निराशा साफ दिख रही थी। मलका जान ने शार्दुल से कहा, ना से तुम्हारा क्या मतलब है? शार्दुल ने मलका को उस शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा, ना या नहीं एक प्रतिक्रिया है जो नकारात्मक जवाब है, यानी कि जब एक व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता या किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता तो वो नहीं कहता है। मलका जान ने तिल मिलाकर आरोप लगाते हुए कहा, क्या तुमने उसे एक पोशाक उपहार भी नहीं दी? क्या तुम अक्सर उसकी हवेली में जाकर हुस्ना के साथ समय नहीं बिताते हो? आगे की बात अनुज राज शाह ने कही,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसान और पिशाच मिश्रित परिवार हैं। हम लोग खुले विचारों के प्रगतिशील शुद्ध खून वाले पिशाच परिवार हैं। शार्दूल ने अपने पिता की ये बात सुनकर अचकचा कर खांसते हुए कहा, बाबा आप लोग केवल उनकी संपत्ति के बारे में जानकर प्रगतिशील हो। अगर आप एक इंसान की ही तलाश में हैं, तो मेरे पास एक उत्कृष्ट उम्मीदवार है और मुझे विश्वास है कि आप उसे बहुत पसंद करेंगे। शार्दूल के बाबा अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने हार स्वीकार करने जैसे भाव अपने चेहरे पर लाते हुए एक आह भरी। शार्दूल ने समझाया, रिश्ते ऐसी शर्तों पर नहीं चलते। आपको सोने से कहना चाहिए कि उस आदमी का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करे। मेरी प्यारी बच्ची सोहनी इस पर काम कर रही है। कब से? 2 हफ्तों से ना। इतना वक्त तो किसी व्यक्ति को ठीक से जानने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। उससे कहिए कि और मेहनत करे। हाँ, अगर वो मेहनत नहीं कर सकती तो बात और है। लेकिन शार्दूल, कभी तो हमारे घर में बहू आएगी ना। भविष्य में कभी तो तुम शादी करोगे। हुस्ना एक अच्छी लड़की है। मेरी पत्नी भविष्य से संबंधित बात है। अभी हम वर्तमान में हैं, मलका माँ। शार्दूल ने अंतिम 2 शब्दों पर कुछ ज्यादा जोर दिया। मलका जान ने एक और कोशिश की, तो क्या तुम अपनी छोटी बहन की मदद नहीं करोगे? सौतेली छोटी बहन। सोनी को सौतेला शब्द इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ। अनुज राज शाह के चेहरे पर निराशा छा गई। उन्होंने शार्दूल से कहा, सौतेली ही सही, पर है तो तुम्हारी बहन। इतना कहकर घर में संभावित झगड़े को टालने की गरज से उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मलका जान से कहा, मुझे लगता है कि हमें सोहनी के वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए। बूढ़ी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अंदर ले जाने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा। जब से अनुज राज शाह ने पुनर्विवाह किया था, तब से शार्दूल वो था जिसने उनकी शादी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। वो इसके खिलाफ था और आज भले ही कई साल बीत चुके हों, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि अब वो गुस्सा व्यंग में बदल गया था, जिसे अनुज राज शाह की वर्तमान पत्नी और शार्दूल की सौतेली माँ मलका जान गाहे बगाहे भड़कती रहती थी। आज भी उसने यही किया था। अनुज राज शाह जानता था कि उसका बेटा उसे कभी माफ नहीं करेगा। शार्दूल की नजर में उसके बाबा की दूसरी शादी उसकी मृत माँ के साथ विश्वासघात थी। शार्दूल को बचपन से ऐसा लगने लगा था कि उसके बाबा उसकी माँ से कभी भी पर्याप्त प्यार नहीं करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद बाबा के लिए दूसरी शादी करके उनकी जगह किसी और को दे देना आसान था। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी। अनुज राज शाह और मलका जान अंदर चले गए। जब वे उनसे दूर चले गए, तब अवंतिका ने शार्दूल से पूछा, खरीदारी कैसी रही शार्दूल? ठीक थी। सजी धजी बैठक को निहारते हुए उसने अपनी बहन से पूछा, क्या अगले सप्ताह के लिए सारी तैयारी कर ली गई है? हाँ, दूर दराज के लोगों को निमंत्रण भेज दिए गए हैं, कुछ रिश्तेदारों और कुछ अधिकारियों को बुलाया है। अच्छा, शीजा कैसी है? वो सो रही है, उसके पैर में चोट लगी है। वो बहुत प्यारी है शार, उसके साथ अच्छे से पेश आना। शार्दूल मुस्कुराने लगा। अवंतिका बीच में आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई कुछ भी गलत करे। उसे शीजा की फिक्र थी। उसके अपने अतीत में एक प्रिय नौकर था और उसका जो हश्र हुआ था, उसे याद करके वो नहीं चाहती थी कि शार्दूल किसी भी लापरवाही के कारण उसी अपराध बोध को महसूस करे। वो जानती थी कि उसका भाई संगी और अकड़ू है और अपने शब्दों से लोगों का सीना छलनी करने से जरा भी बाज नहीं आता, अवंतिका तक को नहीं बख्शता था। लेकिन सिर्फ वो ही ये भी जानती थी कि शार्दूल का दिल अच्छा था, बस वो कमजोर न दिखने के लिए लोगों को पता नहीं लगने देता था। किसी भी व्यक्ति के चरित्र की गहराई को देखने के लिए सिर्फ आंख से देखना काफी नहीं होता, समझना और गुणना होता है। दुर्भाग्य से शाह हवेली में केवल शार्दूल ही इस काम को करता था, इसलिए उसे समझने वाला कोई नहीं था।
शार्दुल ने अपनी बहन अवंतिका को सोच में गुम देखा तो कहा, मैं शेजा के साथ अच्छा ही व्यवहार करता हूँ, आपको कुछ ऐसा वैसा लगा? अवंतिका और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अभी इस मामले पर और बात करने से एक और विषय शुरू हो जाएगा और शार्दुल नाराज हो जाएगा। नहीं लगा कुछ नहीं, सिर्फ एक आम सा अनुमान। ओह चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या आपने दयाल को कहीं देखा? वो हवेली के बाहर चार दीवारी के अंदर की तरफ रोशनी ठीक करने गया है। शार्दुल ने अवंतिका को धन्यवाद कहा और हवेली के बाहर दयाल को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में वो शार्दुल को देख गया। लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ वो लालटेनों और दीपकों में तेल डाल रहा था। उधर शार्दुल के कमरे में झपकी ले रही शेजा की आंख खुल गई। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने पाया कि शार्दुल कमरे में नहीं था। एक बच्चे की तरह उत्साह से जूतों को वही रखा देखकर शेजा उन बक्सों के पास पहुंची और बक्सों को खोलकर जूते देखने लगी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना था। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर वो भी उतने ही आराम और सहजता के साथ चल सकेगी जैसे आज दोपहर में उसने शहरी महिलाओं को बाजार में चलते देखा था। लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि ये ऊंची एड़ी वाले सैंडल जिन पर उसका दिल आया हुआ था, क्या वो शाह हवेली से भागने के दौरान उन्हें अपने साथ ले जा सकेगी?